सो अभी हम लोग जिस गाड़ी में जाने वाले हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए वो आ गई है। दोस्तों मॉर्निंग के बजे हैं अभी 7:30 और आज हम लोग निकलने वाले हैं एक लॉन्ग ट्रिप पर, दैट इज द दुबई। मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ मुंबई के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। यहाँ पर अभी फिलहाल हमारा चेक इन हो चुका है, हम लोग इमिग्रेशन क्लियर कर चुके हैं और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी फ्लाइट की। सो दोस्तों अभी हो चला है वक्त हमारी फ्लाइट का, तो हम लोग चलते हैं अभी डिपार्चर यूनिट पर और बाकी की बात करते हैं आप लोगों के साथ में दुबई में। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पर लगेज लेने के लिए, स्पेसिफिक इसी के अंदर मेट्रो है। सो मेट्रो का वेट, मेट्रो मेट्रो मेट्रो। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर दुबई में आ गए हैं, इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है अभी हम लोगों ने, जस्ट हमारा ड्राइवर भी आ गया है। सो यहाँ से हम लोग सीधे चलने वाले हैं हमारी होटल पर, तो चलिए चलते हैं। दुबई के अंदर पहला पैर रख दिया है। सो नाउ वेलकम टू चिंतन भाई दुबई। सो अभी हमारे साथ में हमारे जो पिकअप करने के लिए आए हैं जैन है। हाय जैन। हेलो। हाय सर, हाउ आर यू। यहाँ पे स्टीयरिंग नहीं है। ये है हमारी होटल और अभी हम लोग जाएंगे पहले होटल में। यस, थैंक यू। और यहाँ पर ये सोफ़ा, एक बाथरूम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे शुरू होता है हमारा पूरा का पूरा एक लग्जरियस रूम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा रूम। सो दोस्तों अभी हम लोग फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश होने के बाद में 2 बजे की हम लोगों की यहाँ से है डेजर्ट सफारी। जी हाँ, पहला ही दिन है और पहले ही दिन हम लोग डेजर्ट सफारी करने वाले हैं। सो पूरा दुबई घुमाने वाला हूँ आप लोगों को। यार देर किस बात की है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों हमारी इस पूरी दुबई ट्रिप को स्पॉन्सर्ड किया है MyTravel.in वेबसाइट ने। MyTravel.in वेबसाइट जो है वो आपको डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रिप के बहुत सारे रीजनेबल ऑफर आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पर जाकर आप कोई भी तरह की टिकट्स को बुक करना हो, चाहे कोई होटल बुक करना हो, हर चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे अच्छे और सस्ते पैकेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। जब भी आप इनके साथ में एक ट्रिप बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पर्सनल मैनेजर असाइन किया जाता है, जो आपकी ट्रिप के अंदर आने वाली कोई भी दुविधा हो या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, इसके लिए वो आपको ऑन कॉल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। इवन अगर आप वहाँ पर हैं और वहाँ पर आपको करेंसी की कोई रिक्वायरमेंट होती है, वो भी वहाँ पर मैनेज हो जाती है। तो एक बार कोई भी ट्रिप को बनाने से पहले इनकी वेबसाइट, इनके इंस्टाग्राम पेज और इनके फेसबुक पेज पर जाकर ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। सो अभी हम लोग जिस गाड़ी में जाने वाले हैं डेजर्ट सफारी करने के लिए वो आ गई है, दिस वन। काफी लंबी और लग्जरियस कार। यहाँ पर ये जो सामने हम लोग देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो है ये पूरा माउंटेन नहीं है, एक्चुअली ये दुबई में जितना भी ट्रैश होता है वो यहाँ पर आता है, डंपिंग यार्ड इसको बोल सकते हो। सो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, दूर से तो ऐसा ही लगता है जैसे कि ये यहाँ का पहाड़ हो। सो अभी हम लोग यहाँ पर बीच में रुके हैं और एक शॉपिंग मॉल जैसा है और यहाँ पर है कुछ, क्या बोलते हैं उसको चिंतन, बाइक राइडिंग बोलते हैं लेकिन इसका कुछ नाम है एक तो जो बड़ी फोर व्हीलर है वो बगी है और छोटा है उसको कोड कार ना कोड बाइक।
यस स्क्वाड बाइक बोलते हैं। सो दिस आर द थिंग। अब यहाँ पर हम लोग पूछेंगे भी सही, और यहाँ पर एक बाज है, आई थिंक चील है या बाज, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाज ना, यस सॉरी फोटो इसके साथ में क्या चार्जेस, सॉरी 20 दिरहम ना, ओके यहाँ पर आके आप फोटो खिंचवा सकते हैं, इसका 20 दिरहम चार्ज है, आपके यहाँ पर बैठ जाएगा लाइक दिस, थैंक यू। और एक बार हम लोग इसका भी चार्ज एक बार पूछते हैं, लेट्स सी कि कितना चार्ज है, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या प्राइस है। सॉरी सिंगल वाला एक बार चलाने वाला 150, ओके दो बैठने का उसमें 250 दिरहम, ओके। सो यहाँ पर दो तरह के चार्ज हैं, अगर आप सिंगल वाली ले रहे हैं तो 150 दिरहम, और डबल वाली ले रहे हैं तो 250 दिरहम। सो चार्जेस तो अगर इंडियन करेंसी में आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर इंडियन करेंसी की बात करूँ तो 22 अप्रॉक्सीमेट, एक दिरहम का 22 रुपया अप्रॉक्स होता है, सो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सुनाओ अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं सफारी की तरफ, ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा तो है, अगर फिर भी आपको इस तरह का शौक हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कुछ और कुछ प्लान करके रखा हुआ है, सो हम लोग वो करने वाले हैं, तो चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेजर्ट सफारी के लिए रेडी है, और टायर जो है गाड़ी की उसकी हवा को भी कम किया जा रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, बट ऑब्वियस है यहाँ पर पूरी सैंड है, सो लेट्स सी। अभी हम लोग फिलहाल मिड में हैं, और ये है यहाँ का फोटो पॉइंट, और वो देखो सामने की तरफ खुले, आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मतलब बोल सकते एकदम टर्न लेता हुआ प्लान है, शायद अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत ही ज़बरदस्त। गाइज एक अच्छी डेजर्ट सफारी के बाद में हम लोग आ गए यहाँ पर कैंप में, डेजर्ट सफारी के साथ में ये इंक्लूड होता है, सो ये है रायना डेजर्ट कैंप, सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ यहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर ये फ्लैग है और यहाँ से ये एंट्री है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आइए चले देखते हैं। सो यहाँ से शुरू होता है वेलकम ड्रिंक और समथिंग कुछ, सो देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या है, खजूर। सो यहाँ पर है ये बहुत सारे खजूर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। सो ये है यहाँ का पूरा हाट, जहाँ पर ये सब पेड़ हैं, आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। वो वेलकम ड्रिंक था, वो फ्री था, एंड देन आफ्टर यहाँ पे है कुछ हुक्का की वेराइटीज़, अलग अलग फ्लेवर, आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे पानी, और पानी की ये कुछ कैन इस तरह की है, और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी आपको मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। देन आफ्टर यहाँ पर है बहुत सारे जूस की वेराइटीज़, सो आपको जो भी जूस चाहिए, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल, मैंगो, सो यू कैन ग्रैब इट। सो अभी हम लोग यहाँ पर आए बैक साइड में जहाँ पर कैंप है, और कैंप के पीछे वापस से यही बगी वाला सीन,
जो हम लोग वहाँ पर ड्रॉप करके आए थे वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट जो बगी का प्राइस था वो था 250। इसमें अलग अलग टाइप की होती है लेकिन यहाँ पर वो सीधा डबल हो जाता है। सो अगर आपका प्लानिंग है यहाँ पर आने का और कुछ बगी राइडिंग और कॉल बाइक है उसको ड्राइव करने का, तो फिर आप लोगों को आई थिंक प्लान करना चाहिए वहीं का। यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा डबल प्राइस जाता है। तो यहाँ पे जो फ्री वाली कैमल राइड है उसके अंदर तीन एक साथ में चलते हैं और साथ साथ में ये जो इतना जो सर्कल आप देख रहे हो ना वो उत्ते में घूमता है। अगर आपको इसको डेजर्ट में लेके जाना है तो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट खर्च करने पड़ेंगे 100 दिरहम, मतलब इंडियन के हिसाब से 2200 रुपये। सो फ़्री वाले घूम रहे हैं अभी तो फिलहाल। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 3 कैंप लगे हैं हमें जो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी फिलहाल सनसेट था, सो हम लोगों ने यहाँ पे सनसेट को रिकॉर्ड किया जैसा कि आपने टाइम लैप्स देख लेंगे। और इसके बाद में एक कैंप वहाँ पर है, इसके बाद में जो दूसरा कैंप है वो वहाँ पर दिख रहा है, तीसरा कैंप वहाँ पर है, तीन है ना, ओके इसमें पूरे 30 कैंप्स हैं इतने एरिया में, ओके। सो जैसा कि इन्होंने बताया कि 30 कैंप्स हैं इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर। सो दैट इज़ अ ग्रेट, बहुत एक अच्छी इवनिंग हमारी। सो चलिए अभी चलते हैं, यहाँ पर होने वाला है कुछ प्रोग्राम्स और वो हम लोग एंजॉय करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल गो फॉर द आवर होटल। रात को हम लोगों को यहाँ पर अपनी होटल में आते आते हो गए करीबन 12:30 के आसपास, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर दुबई में रहते हैं और वो लोग मुझसे मिलने आ गए थे तो वीडियो क्लोज करना रह गया था। पूरा जो दिन था वो हमारा काफी अच्छा गया। अगर डेजर्ट सफारी की प्राइस की बात करूं तो वो हमको थोड़ा सा प्रीमियम में हम लोगों ने बुक किया था, वो 140 दिरहम का पड़ा था। बाकी अगर आप डेजर्ट सफारी करना चाहते हैं तो 80 दिरहम से लेकर 140 दिरहम तक में आपको डेजर्ट सफारी यहाँ पर मिल जाती है। सो ये था हमारा पहला दिन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 2 बजे से आज हमने दुबई ट्रिप शुरू करी थी और आज से मतलब कि हमारा जो एक्सपो है सिक्योरिटी का एक्सपो है इंटरसेक 2023 वो शुरू हो रहा है, वो है 17, 18 and 19। तो तीनों दिन में वहां पर होऊंगा और नाइट लाइफ को इसके बाद में वहां से फ्री होके कुछ एक्सप्लोर करूंगा। अब ये जो 3 वीडियो होंगे 17, 18 and 19 के वो आपको हमारे मेन चैनल भरत जैन के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि क्या टेक्नोलॉजी आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड यूज करता है और क्या इंडिया यूज करता है वो जरूर मैं भी देखना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आप लोग भी देखना चाहोगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए व्लॉग, मतलब कि 20 तारीख से जो हमारे नए व्लॉग शुरू होंगे अबाउट द ट्रेवलिंग एंड अबाउट द दुबई एक्सप्लोरेशन के बारे में। तभी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप के इसी तरह के एडवेंचर ट्रिप के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।